कासगंज में तेज रफ्तार बस ने खड़े टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक बच्ची की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब टेम्पो चालक सवारियां भर रहा था। पुलिस ने घायलों को CHC में भर्ती कराया और बाद में जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री आवास पर जहरीला पदार्थ खाने की कोशिश करने वाले रुखसाना के घर उसकी स्थिति का जायजा लेने प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और उसका हालचाल जाना। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने 95 शिकायतों में से 9 का मौके पर निस्तारण किया। दिव्यांग महिला रनु देवी की आवाज समस्या पर अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए। देखिए, आज यहाँ तहसील दिवस संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील सगड़ी में हम SSP साहब यहाँ पर आए हैं, CDO साहब इत्यादि। तो यहाँ जो कुछ शिकायतें अभी तक प्राप्त हुई हैं वो 85 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 8 शिकायतों का निस्तारण मौके पे ही हो गया है। बाकी शेष जो 77 शिकायतें हैं उनके संबंध में सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 1 सप्ताह में इनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करेंगे। हरदोई पुलिस ने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। मारपीट के आरोपी ब्रजेश मिश्रा को बाजार में हाथ जोड़कर घुमाया गया। पड़ोसी के साथ विवाद के बाद हुई इस कार्रवाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरों के एक शातिर गिरोह का खुलासा करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर 6 चोरी किए गए दोपहिया वाहन बरामद किए। ये कार्रवाई थाना कोतवाली शहर पुलिस ने की है। बिजनौर में शेरकोट पुलिस ने 4 भैंस चोरों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने एक हफ्ते पहले 3 भैंस चोरी की थी। थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह की टीम ने आरोपियों को दबोचा और उनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया। सभी को जेल भेज दिया गया है। गोंडा में बाइक सवार 3 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरा बदमाश भागने में सफल रहा। घायल बदमाश का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। ये बदमाश 10 दिन पहले परसा गौडरी गांव में चोरी के दौरान गृहस्वामी गोली मार चुके थे। पुलिस ने उनसे एक बाइक, जिंदा कारतूस, खोखा और 20,000 की नकदी बरामद की है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर अंबेडकर नगर पहुंचे। युवा नेता रजनीश मौर्य ने उनका जोरदार स्वागत किया। मौर्य ने सैदपुर में एक कार्यक्रम में गेट का उद्घाटन किया और मीडिया से बातचीत की। इस गांव के प्रवेश द्वार का उद्घाटन करने के लिए आया था, जिसका निर्माण श्री राम कुमार मौर्य एडवोकेट और उनके भाइयों ने मिलकर अपनी माँ की स्मृति में कराया है। प्रयागराज जिले के थरवाई पुलिस और SOG ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक अवैध तमंच, 1 कारतूस, नकदी और अन्य सामान बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों में संदीप कुमार, विशाल पासी, ईशु पासी और कुंदन शामिल हैं। सभी निवासी ग्राम द्वारी के हैं। ये अभियुक्त 14 सितंबर को ग्राम हसनपुर कोरारी में लूट की घटना में शामिल थे। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थाना थरवाई के अंतर्गत हसनपुर कोरारी के पास एक महिला के साथ बाइक सवार युवकों द्वारा बैग छीनने की घटना हुई थी, जिसपे 20 तारीख को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और जिनके नाम है संदीप कुमार पुत्र बचई निवासी द्वारी, विशाल पासी, ईशु पासी, कुंदन पुत्र विनोद निवासी हसनपुर कुरारी और सर्विलांस की टीम की मदद से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और इसमें दिक्कत है। हरदोई की कौर यूनिवर्सिटी में पहला दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ने 650 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी। राज्यपाल ने बेटियों की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि देश का भविष्य उज्ज्वल है। कुलपति JC जैन ने बताया कि 95% विद्यार्थियों को नौकरियां मिल चुकी हैं। समारोह में छात्रों के चेहरे पर गर्व और खुशी दिखाई दी। ऋषिकेश में मुनिक्रेती थाना पुलिस ने SSP आयुष अग्रवाल के निर्देश पर रात को चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 2 शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 पहिया वाहन और 1 कार को सीज किया गया। 75 चालान काटकर 37,500 रुपए जुर्माना भी वसूला गया। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि ये अभियान रैश ड्राइविंग और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ था। ऋषिकेश में पुलिस ने बाहरी राज्यों से आए कर्मचारियों और मजदूरों का सत्यापन कड़ाई से करने का निर्णय लिया है। कोतवाली पुलिस ने दुकानदारों को मुनादी कर जागरूक किया और वो अपने कर्मचारियों का सत्यापन नजदीकी पुलिस चौकी में करवाएं। सत्यापन न कराने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस कप्तान अजय सिंह के निर्देश पर जल्द चेकिंग अभियान भी शुरू होगा। चमोली जिले में 4 धाम यात्रा के दूसरे चरण की तैयारियों में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि बरसात के बाद यात्रा शुरू हो गई है और श्राद्ध पक्ष में बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं। विशेष रूप से भगवान बद्री विशाल जी के धाम में ब्रह्म कपाल तीर्थ स्थल पर तीर्थयात्री अपने पितरों का पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरी व्यवस्था कर रहा है।